नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का कल से, उन सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। पूरे विश्वास के साथ पेपर कीजिएगा, बिना किसी दबाव में आए बिना पेपर को हल करें। और जो बातें हैं अनर्गल, कोई भी कुछ भी नहीं सोचनी आपको, पेपर में शांति के साथ आप जितना अपनी ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो आपने आज तक पढ़ा है वो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, ये आप मान करके चलें। लेकिन अपने ऊपर दबाव को हावी नहीं होने दें। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में, जैसे फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, तो शुरू के मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन कई बार हार्ड आ गए, या आपकी सीरीज ऐसी आ गई एग्ज़ाम में कि शुरू के 5-7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन बाद के क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। तो कई बार विद्यार्थी शुरू में ही इन मुश्किल क्वेश्चनों को देखते ही डिमोरलाइज हो जाते हैं और बाकी का इजी पेपर भी पूरा ख़राब कर देते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है, इनका आप ध्यान रखें। और एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसका 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से आप 5 से 6 क्वेश्चन का जो इजाफा है, निश्चित रूप से आपके पेपर में आप करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पूरा देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सफलता दे, आपकी मेहनत जो है उसका फल आपको मिले। और देखिए मित्रों, एक दूसरी जो बात है इसमें, एक पॉइंट और है कि आपको कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे कई विद्यार्थियों की तैयारी मान लीजिए इतनी बेहतर नहीं हो पाई है, तो जीवन में कोई भी वैकेंसी पहली नहीं होती, कोई भी वैकेंसी आखिरी नहीं होती। बहुत सी वैकेंसी है जिनकी घोषणा हो रही है अभी, और अभी भी 2-3 वीडियो जो है मैं और बनाने वाला हूं इसके बाद में, जिन वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। तो आप आराम से मस्त होकर पेपर दें जितना आपने पढ़ा है, और पेपर दें में जरूर। कई बार विद्यार्थी की तैयारी जैसे मान लीजिए हल्की फुल्की है, तो फिर वो सोचता है क्या पेपर देना है क्या नहीं देना है। लेकिन अगर आपके लिए संभव हो तो आप पेपर जरूर देवें, उसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।